सिंगोली में सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देते हुए नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आश्रम में गुड्डू ने दिगंबर जैन संत के लिए जमीन दान की थी। आज जैन समाज के नागरिकों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और प्रसिद्ध मार्बल कारोबारी अशोक पाटनी भी उपस्थित हुए। सिंगोली में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आश्रम में गुड्डू ने सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देते हुए दिगंबर जैन संत शांति सागर जी महाराज की समाधि के लिए जमीन दान की थी। उनके इस पुण्य कार्य के लिए जैन समाज ने उनका बहुमान किया। रविवार को जैन समाज द्वारा शांति सागर जी महाराज को विनयांजलि अर्पित करने के लिए विनयांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और प्रसिद्ध मार्बल कारोबारी व समाज रत्न अशोक पाटनी ने आश्रम मेव गुड्डू का सम्मान किया। कांग्रेस नेता आश्रम मेव गुड्डू के इस पुण्य कार्य की प्रशंसा राजस्थान के सहकारिता मंत्री और अंचल के प्रसिद्ध समाज सेवी उदयलाल आंजना ने भी की। उन्होंने कहा कि अशरब भाई ने जो पुण्य कार्य किया है वह देश में एक मिसाल बनेगा। दिगंबर जैन संत के लिए जमीन दान करना एक पुण्य का कार्य है और इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बनेगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सिंगोली गुड्डू भाई द्वारा जैन संत के सम्मान में अपनी भूमि को दान देना निसंदेह बेमिसाल है। आज के ज़माने में ज़मीनों के भाव आसमान छू रहे हैं और वो ज़मीन है वो भी बड़े मौके की थी। उसके बाद भी संत के प्रति श्रद्धा, ये भाईचारे का बड़ा प्रतीक है। हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो संस्कृति है उसको और एक माइलस्टोन मिला, ये मानता हूँ मैं तो। और इस देश पर शहीद होने वाले, दान करने वाले, गंगा जमनी संस्कृति का ताना बाना बुनने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियाँ इस ताने बानों को भी तोड़ने का प्रयास करती है। ऐसी शक्तियों से सावधान रहे। और गुड्डू भाई सरी के दानदाताओं ने जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में ये दान दिए, इसकी मिसाल और जगह भी कायम हो और देश में भाईचारा बढ़े, यही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ।